महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के तहत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के कला संकाय भवन में किया गया, जिसके संबंध में प्रोफेसर डॉक्टर परीक्षित सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 4 वर्गों में किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 9 से 12 तक तथा यूजी पीजी के विद्यार्थी शामिल रहे। इसमें गोरखपुर, महाराजगंज और आसपास के जिलों के शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी प्रतिभाग किए। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 300 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया है। विजय प्रतिभागियों को 10 दिसंबर को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर परीक्षित सिंह ने कहा, मेरा नाम डॉक्टर परीक्षित सिंह है। मैं इस प्रतियोगिता का संयोजक हूं और इसी महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग का एसोसिएट प्रोफेसर हूं। आज शिक्षा परिषद द्वारा, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 6 दिसंबर को हर साल होता है ये परीक्षा 4 वर्ग के विद्यार्थियों की होती है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की, उनको ग्रुप ए, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों की जिन्हें ग्रुप बी कहा जाता है, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी जिन्हें ग्रुप सी कहा जाता है, और यूजी पीजी के विद्यार्थी जिनको ग्रुप डी कहा जाता है। इसमें गोरखपुर, महाराजगंज और अगल बगल के जिलों के शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी प्रतिभाग करते हैं। एक संस्था से मैक्सिमम 5 विद्यार्थी हर ग्रुप में प्रतिभाग कर सकते हैं। यह परीक्षा आज लगभग 300 से कुछ अधिक विद्यार्थियों की हुई, जिसमें ग्रुप ए में 44 विद्यार्थी, ग्रुप बी में यानी 6 से 8 में 85 विद्यार्थी, ग्रुप सी यानी कक्षा 9 से 12 में 85 विद्यार्थी, और ग्रुप डी यानी कि यूजी और पीजी में 73 विद्यार्थी रहे। यह परीक्षा आज 12 बजे से 1 बजे तक हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, परीक्षा समाप्त होने वाली है 1 बजे से और कार्य समाप्ति तक, अब वो शाम को 7 बज जाए, 8 बज जाए, इसका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के बाद प्रत्येक वर्ग में 1 से 5 में, 6 से 8 में, 9 से 12 में और यूजी पीजी के विद्यार्थियों में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो मार्क्स पाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल आप चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके 4 आंसर हैं, 1 करेक्ट है उसमें से, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चुना जाएगा, जिनको 10 तारीख को, जिस दिन शिक्षा परिषद का समापन समारोह है, उस दिन मुख्य अतिथि मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को उनके हाथों नगद पुरस्कार और सम्मान पत्र दिया जाएगा।